टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुंब्रा के खड़ी मशीन डैम पर और आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कल से ही दो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, उन्हें जो है यहाँ पर सजा दिया जा रहा है, कान पकड़कर उठवाया बैठवाया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि वो बच्चे इस डैम में नहा रहे थे। हालांकि ये डैम जो है ये बेहद ही ख़तरनाक है, इसमें अब तक कई जानें जा चुकी हैं और यहाँ पर एक हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा की दरगाह है। दरअसल जो ट्रस्टी हैं यहाँ के जहूर, उन्होंने उन बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला था कि आप लोग इस डैम में ना नहाए। उसके बाद जो बच्चे थे उन्हें यहाँ कान पकड़कर उठवाया बैठवाया गया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दी गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मुंब्रा शहर में इस पर काफ़ी लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उसमें, उन बच्चों का चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है। उनके माँ बाप भी इस पर जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो लोग सवाल उठा है कि आखिर ट्रस्टी जो है वो क्यों सजा दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ट्रस्टियों से जो हमने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पर जान जाती है, इसलिए हमने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें बाहर निकाला और उन्हें सजा दी। लेकिन जिस तरह से मुंब्रा शहर में एक अलग ही माहौल बन गया है उस वीडियो को लेकर, हालांकि ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि जो आपत्ति ले रहे इस वीडियो को लेकर, ऐसे लोग जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भी लेकर पहुंचे हुए थे और इस ये बच्चों की जो वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर खबरें भी चल चुकी है। लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि ये काम शासन प्रशासन का है, डैम पर अगर बच्चे नहाते हैं तो शासन प्रशासन के लोग उन्हें सजा दें, ना कि दरगाह के जो ट्रस्टी हैं वो लोग सजा दें। सबसे पहले जो इस पर वीडियो को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि उनके बच्चे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसमें से एक पेरेंट से हमने बात की है जिनका नाम है समीर, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है पहले वो सुनिए। समीर भाई, डैम मुंब्रा डैम की एक वीडियो जो वायरल हो रही, दो तीन वीडियो, उसमें आपके भी बच्चे हैं और वीडियो वायरल हुई, उसके बाद कई चैनलों पर जो है खबरें भी चली और आपने इस पर आपत्ति जताई है बच्चों को लेकर कि उनकी जो है पहचान हो रही है, लेकिन डैम पे जो नहाने गए थे बच्चे, बहरहाल वो तो गलत बात है, लेकिन आप पुलिस स्टेशन भी गए थे इसकी शिकायत लेकर, तो क्या हुआ, क्यों आपको एतराज़ है ऐसा? मुझे एतराज़ इसलिए है कि वो बच्चे जहाँ डैम में नहा रहे थे वो तो बुरा ही है, गलत है, उसके ऊपर मतलब बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी जैसा मेरा एक भाई था और उसके दो दोस्त लोग थे, दो तीन लोग, उन लोग फ़ोटो शूट के लिए गए थे, उन लोगों को भी पकड़ के इन लोगों ने कपड़े उतरवाए, उन लोग से शर्ट उतरवाया, उन लोग को बोला कि आप लोग शर्ट उतारो वरना सबके कपड़े जला देंगे, और शर्ट उतारो, उसने शर्ट उतारा, उसके बाद उठक बैठक कराए, सेटअप्स कराए, उसके बाद से उसको बोले कि तुम अपना पैंट भी उतारो, उन्होंने बोला नहीं मैं पैंट नहीं उतारूंगा, तो बोले जितने लोगों ने उतारा उन लोग के भी कपड़े जला दूंगा, तो उन लोग ने बाद में फिर एक बच्चे को मारा भी, वो एक बच्चा है डरा हुआ है अभी घर पे है, वो बच्चे भी डर रहा है आपके बच्चे को? हाँ नहीं, मेरे मतलब मेरे दोस्त है, मेरे बच्चे के दोस्त थे, मेरे भाई का दोस्त है, तो वो डरा हुआ। परिवार के कितने बच्चे वहाँ गए थे? मेरा सिर्फ भाई था वहाँ पे, और उसके खास दोस्त थे, मतलब मेरे बच्चे ही टाइप है उन लोग, तो वो खास दोस्त थे, उन लोग को भी मतलब वो बच्चे को मारा तो वो बोल रहा है भाई मैं अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, ये करूँगा, तो उसको 50 सिटअप्स करा रहे, उन लोग का फेस जूम कर करके उन लोग का वीडियो निकाला और अभी अपलोड किया है। मतलब रिपोर्टर्स का भी एक रूल होता है कि आप उनका फेस ब्लर कर सकते थे जिन लोगों ने किया है, लेकिन जो लोगों ने नहीं किया उनको भी सजा दी आपने, ये जो भी थे इनको किसने हक दिया ये सब करने का? ये तो पुलिस कर सकती थी, वो सरकारी जगह है, किसी की ट्रस्ट की जगह नहीं है, किसी की कोई चीज़ नहीं है, तो उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आज मेरा भाई थोड़ा डिप्रेस में, कल से खाना नहीं खा रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है, अगर कुलट के मेरे भाई को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? लेकिन ठीक है उन लोगों ने गलत किया, लेकिन आप अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनसे भी मना कर सकते हैं कि डैम कितना ख़तरनाक है, इस चीज़ के लिए आपको भी रोकना चाहिए। हाँ मैंने उसको रोका था डैम के पास मत जाना, इसलिए वो डैम के पास नहीं गया था, और मेरे भाई डैम पे जाके कुछ कर भी नहीं सकता कि उसको तैरना नहीं आता, तो वो डैम पे गया ही नहीं था, वो वहाँ पे एक फ़ोटो शूट के लिए गए थे और वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे झाड़ पत्ती है, वहाँ पे वो फ़ोटो शूट करने गया था, वहाँ पे उसने चिल्लाने की आवाज़ आई, उसने देखा झाँक के, तो उसको भी पकड़ लिया, तुम लोग क्यों छुप रहे हो, उसको भी लेके आया, यानी नहा नहीं रहे थे? नहीं नहा रहे थे। तो फिर वहाँ क्या कर रहे थे? उन्हें फोटो शूट कर रहे थे और उन लोग ऊपर की तरफ। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है, जो खबरों में चल रही है, उसमें तो मतलब सभी बच्चों के ऊपर अंग पर कपड़े नहीं है, वीडियो पकड़ते हुए नहीं निकाला गया कि इन लोग यहाँ आ रहे हैं, इन लोगों ने सबको एक इकट्ठा करके उनके शर्ट उतार के बाद वीडियो बनाया गया। आपको कैसा पता चलेगा कौन नहा रहा है कौन नहीं नहा रहा है उसमें? और उस तरफ बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट सब लोग भीगे हुए, चलो ठीक है, जो लोग नहा रहे थे जो नहीं नहा रहे थे उन लोग भीगे हुए, बारिश हो रही थी,
तो अभी आप कैसा बताओगे कि कौन नहा रहा था कौन नहीं नहा रहा था? तो अभी आप पुलिस में आप कंप्लेंट करने के लिए गए थे क्या? नहीं, मैं पुलिस के पास भी गया था सुबह उन लोगों से मदद मांगने के लिए, तो उन्होंने बोला कि गलत है, ये सब नहीं कर सकते थे, उनको राइट्स नहीं दिया गया ये सब कि आप किसी को पनिशमेंट दे सकते हो, क्योंकि अगर वो सरकारी जगह है तो पुलिस लोग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन इनको कोई राइट्स नहीं है। और पता नहीं कि इन लोग कौन है, कौन से ट्रस्ट से है, या ऐसे ही बेफालतू का कोई भी लड़के लोग है। अगर मेरे पास एक वीडियो आपको लिंक भेजता हूँ, वो वीडियो पे आप देख सकते हो, वो एक लड़का जो है पीछे रुमाल लटका के एक बम्बू हाथ में लेके बच्चों को डरा रहा है और बोल रहा है सही से करो सही से करो। ये कोई सोशल वर्कर नहीं दिख रहा है, ना ही वो कोई ट्रस्ट वाला बंदा दिख रहा है, या ना कोई दिख रहा है, वो एक टपोरी लग रहा है जो बच्चे लोगों पे रैगिंग, और इन शॉर्ट ये रैगिंग हुई है, ये बच्चों के साथ रैगिंग हुई है, उनको हैरेस किया गया है। अभी वो बच्चे जो है, मेरा भाई बहुत डरा हुआ है, उसको खाना नहीं जा रहा है, वो बीमार हो गया, मैं उसको दो बार दवाखाना लेके जा चुका हूँ। अब उसको डर रहा है कि वो अभी कैसे, आज की जनरेशन है, बच्चे लोग सोचते हैं कि हमारा शक्ल आ गया है, हमको बहुत इंसल्ट हो रहा है उनका, बहुत सारे लोग लड़के लोग चिढ़ाते हैं, तो वो बहुत डरा हुआ है उस चीज़ से। अभी ये सब जो उसको हालत हुई, बहरहाल अभी पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा है कि मैं बात करता हूँ रिपोर्टर्स से, जो लोगों ने लीक किया, मतलब जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी आ गया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और उन लोग से वो वीडियो हटाने के लिए देखूँगा, पर अभी तक कोई वीडियो हटी नहीं है, बस इतना ही बात हुआ था। दरअसल जिस तरह से समीर आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को जो है मारा गया, उनके बच्चे डरे सहमे हैं, एक उन्होंने एक डंडे का भी जिक्र किया, ये भी कह रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ नहाने नहीं आए थे, ऊपर की तरफ थे। बहरहाल इन सभी पूरे मामले पर हम जो दरगाह के ट्रस्टी हैं, जो अध्यक्ष हैं जहूर, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने एक वीडियो यहाँ से वायरल की थी, बच्चे यहाँ पर नहा रहे थे, उस पर कई पेरेंट्स जो है आपत्ति जता रहे हैं कि आप लोगों ने उनके बच्चों की वीडियो बनाए और उन्हें कान पकड़कर उठवाया बैठवाया और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए। आपको ये नहीं करना चाहिए था, अगर बच्चे नहा रहे थे तो उन्हें यहाँ से डांट टपट कर आप भगा देते, ना कि वीडियो वायरल करते। अस्सलाम वालेकुम। वो बच्चे इतने बदमाश थे कि कुछ बच्चे लोग उनको निकाल रहे थे तो मान रहे नहीं थे वो, तो मैं भी दरगाह पे था तो मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया कि बच्चे लोग मान रहे नहीं, अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग मान रहे नहीं, निकल रहे नहीं है। तो मैं बोला गए साल भी एक बच्चा इनसे छोटा मरा था, इंतकाल हुआ था, उसकी माँ जब इंतकाल हुआ था उसकी माँ आके दरगाह पे बहुत रो रही थी, हमको बहुत बुरा लगा, इसके लिए हम लोगों ने काम किए, उन लोगों को बुलाए निकाले और सज़ा ये दिए कि दूसरे भी जो बच्चे देखे और वो नहीं आवे, इसके लिए हम लोगों ने सज़ा दिया। हमारे कोई जाति उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है कि दो लोग देखेंगे बच्चे लोग के बाद उधर नहीं जाने का ऐसा ऐसा करते, इसके लिए हम लोगों ने किया, बाकी हमारा कोई जाति मामला नहीं है। और वो माँ बाप लोग से हमारा ये है कि आप लोग अपने बच्चों को भेजो ही मत ना इसी जगह पे, ध्यान भी रखो ना उनका थोड़ा सा कि अपने बच्चे कहाँ जा रहे क्या नहीं जा रहे। हम लोग दरगाह बाजू में तो हमको बुरा लगता है कि दूसरे के बच्चे हमारे बच्चे हो, हम दूसरे के नहीं समझते उनको, हमारे भी बच्चे छोटे छोटे, हम अपना समझ के उनको ऐसी सजा दिए, कोई गैर समझ के नहीं दिए। वीडियो वायरल करने के लिए वो खिलाफ हैं कि आपने वीडियो वायरल क्यों की? वीडियो वायरल इसके लिए किया कि लोगों को मालूम पड़े कि तुम्हारे बच्चे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, ये मालूम करने के लिए, और भी लोगों को मालूम पड़े। और हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं था कि वीडियो से कुछ ख़राब लगे, किसी को बुरा लगे, दूसरे लोगों को भी मालूम पड़े, वीडियो होता ही इसी के लिए कि लोगों को मालूम पड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ये हमारी मंशा थी। और लोगों को मालूम पड़े कि यार डैम में मत खेलने को, ये हमारी मंशा थी और कोई हमारी बात नहीं थी उसके अंदर। जो पेरेंट्स हमने बात की है उनका कहना है कि वो कंप्लेन करने के लिए भी पुलिस स्टेशन में गए थे, उनका ये कहना है कि आप लोग क्यों सजा दे रहे हैं? जो है पुलिस प्रशासन है वो सजा देगी, जो शासन प्रशासन है वो सजा देगी। हम लोग ने मांग की है, पुलिस से की है, नगर सेवकों से की है, माशाल्लाह आ जाएगा दो चार दिन में, लगता है मेरे को ऐसा वाचमैन लोग आ जाएंगे, तो हम लोग को जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये भी आरोप उन्होंने लगाया कि उनके जो बच्चे थे वो लोग ऊपर के साइड थे, फ़ोटो खींचने के लिए गए थे, लेकिन आप लोगों ने उनके बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ा, उनका शर्ट उतरवाया कि आप लोग लाइन में खड़े होइए, वो लोग नहा नहीं रहे थे, ऐसा उनका कहना है। आप लोग शर्ट उतरवाए, यहाँ पर खड़ा किए ज़बरदस्ती, और एक कोई शख्स है जो वीडियो में डंडा लेकर दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसने मारा भी है बच्चों को। कोई मारा भी रहा, छोटे छोटे बच्चों को मारता नहीं है, और उनके माँ बाप को इतना टेंशन है तो बोलना हमारे सामने आके बात करें, है ना, बच्चे किधर थे क्या थे दुनिया जानती, इधर हजारों लोग खड़े थे यहाँ पे, कोई हमारे मामला नहीं है, दुनिया इतने बहुत से जन है कि उन लोगों ने देखे डैम में, सब लोगों ने निकाले, हम लोग ने भी निकाले, दरगाह वालों ने भी और भी आवाम ने भी निकाली उनको कि गलत काम हो रहा है, बच्चे लोग को निकाले, वो छोटे छोटे बच्चे हो चिक्कड़ है अंदर फंस जाएंगे, इधर घूमने थोड़ी आए थे वो लोग, डैम में नहा रहे थे वो लोग, तो हम लोग को थोड़ी ये सब खेल करने का हमारा काम है, हम तो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि डैम में मत आओ कि इसमें जान का खतरा है। आप लोग भी जो जिस तरह से आप लोगों ने सजा दी जो वीडियो वायरल हुई, इसके बजाय आप लोगों को ये ना करना पड़े, अगर आप लोग बच्चों की या इसमें नहाने वालों की जान ना जाए,
ऐसा सोच रहे हैं, तो आप ट्रस्ट के तरफ से ही एक वॉचमैन या दो वॉचमैन यहाँ पर मुहैया? नहीं, अभी वॉचमैन तो हम लोग है ही, अभी खड़े ही आपके सामने ही, हम लोग भी डैम के पास ही खड़े कि किसी की जान नहीं जावे बस। बाकी तो बाकी प्रशासन का काम है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो 24 घंटे नहीं खड़े रह सकते। जिनने डैम बनाया, जिसने किया, उनका काम है ना ये। हम तो अपनी राय लिल्ला के लिए हमारे काम कर रहे हैं, बाकी हमको कोई ले, हमको अल्लाह कुछ करने का, हम लोग इसके लिए खड़े यहाँ पे। हमारा वक्त दे रहे, कीमती वक्त है हमारा, हर किसी का कीमती वक्त होता है भाई, हमारा भी बहुत कीमती वक्त है, हम इसके लिए वक्त दे रहे यहाँ पे कि किसी की, अपने बच्चों की जान नहीं जावे इसके अंदर। मुमरा शहर के बच्चे, वो हमारे बच्चे, हम ये सोच के काम कदम उठा रहे हैं, बाकी हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं। और हमारा जाति पैसा, हम लड़के लोग को खड़ा करते, पैसा देते, खाना खिलाते और वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। कोई किसी का बदनामी करने, कुछ करने, किसी का ऐसा करने का कुछ बात नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जहूर ने भी बताया कि जो वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वो हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि जब जिस तरह से इन्होंने जो बात कही उस हिसाब से दिखाई, जो डैम था इसमें आज बहरहाल कोई नहाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो नीचे का साइड है यहाँ पर कुछ लोग बच्चे ज़रूर नहा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुमरा शहर के लोग हैं, जो माता पिता हैं या माँ बाप कहें, वो अपने बच्चों पर भी काफ़ी ध्यान दें ताकि वो अपने बच्चों को इस डैम के बारे में जानकारी दें कि डैम कितना ख़तरनाक है, इस डैम में अपने बच्चों को बताएं कि वो ना जाकर वहाँ नहाए, इसमें अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और बच्चों को ख़ास तौर पर माता पिता को ये बात बतानी पड़ेगी। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।